खाने में क्या बनने वाला है? तो मम्मी आज दोपहर के खाने में क्या बनने वाला है? चावल। सलाम वालेकुम। आज मैं देखो चावल बन गए। और क्या बनने वाला है अच्छा अभी वाला? ये है ना, इधर झींगा लेके आए। इतना सारा जो झींगा है उतना बनेगा नहीं, तो अच्छा उसमें से थोड़ा लेके आज झींगा दुपैजा होगा। और इधर क्या बोलते हैं शिमला इसके, मिर्च शिमला आलू। मिर्च और छोटा छोटा आलू, उसका भाजी होगा। दाल धो के रखे, दाल वाह बनेगा। और इधर जो टमाटर वो दाल पे जाएगा, और दाल पे जाएगा उधर ही रखा हुआ मैं। झींगा का है, अच्छा झींगा दुपाई जाए तो उसमें कांदा ज़्यादा जाते हैं। और हरी मिर्ची देना पड़ेगा। झींगा धूप ऐसा बनाने में मम्मी बनाते ना एक नंबर लगता है खाने के लिए। मेरा भाई, मैं और मम्मी बहुत शौकीन सा खाते हैं। हरी मिर्ची कितना? कितना गया? छः 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 हरी मिर्ची। छः इसका हरी मिर्ची अगर उससे उठा से खाते ना, बहुत मस्त चावल लगता के साथ बहुत अच्छा लगता। के खाने में मेन्यू में शिमला मिर्च, छोटे छोटे आलू का भाजी, झींगा धूप ऐसा और दाल और चावल। अरे को झींगा अपन साफ साफ कर लेंगे। इसका छिलका छिलकेगा ना तो बचेगा कुछ। छिलका मत, हाँ छिलका तो नहीं छीलना चाहिए ना। थोड़ा बड़ा भी है। ये छिल छिल मतलब साफ सफाई करके प्लेट में रख देंगे। एक देखो, हम लोग रात में मार्केट गए थे तो उधर से लेकर आए, है ना मम्मा? हाँ। कितना माशाल्लाह, एक कितना जबरदस्त लग रहा है झींगा, ताज़ा एकदम। वो उधर समुद्र नजदीक है ना, हाँ तो सही है। लोग को मच्छी लोग को ताजा ताजा मिलता है। खाना पीना खाने के बाद पानी आता है 4 बजे, 4:30 बजे पानी भरने के बाद असर की नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे रसास। तो रसास से भी आप लोग को मतलब जाएंगे मीरा रोड, हाँ तो वहाँ से भी आप लोग को अच्छा अच्छा वीडियो देखने मिलेगा, और जो सब कुछ वीडियो में देखने मिलेगा। वीडियो में बने खाने रहना, के चीज से भी हाँ खाने के चीज़ से, जगह जिधर गए थे उधर का भी आप लोग को सब देखने मिलेगा। तो चलो बाद में आपसे मिल तो गया है। अब जो झींगा बचा है मम्मी को, मम्मी फ्रिज में थैली भर के रख दो, नेक्स्ट टाइम काम आएगा। बहुत है। बहुत सारे है फ्रिज। जो बच गया उसमें 2 बज गया, फ्रिज में रख देंगे। बहुत डर लगता है सारा। चम्मच डाल दिए कढ़ाई में, है ना? ये आलू का फ्राई कर लेंगे। शिमला भाजी और आलू के साथ पहली बार मैं बना रही हूँ फ्राई करके। मैं बोल दी कभी मम्मी को, मैं तो हमेशा उसका एक सामान बनाती थी। हाँ ना? हाँ उसमें से मैंने बनाई। अच्छा शिमला मिर्च लास्ट की भी हमारी नरम, शिमला मिर्च लास्ट में जो डाले ये नरम है ना, जल्दी पक अच्छा। जाएगा। अच्छा मम्मी बोल रहे शिमला मिर्च लास्ट में से रख दूँ, शिमला मिर्च नरम है ना तो जल्दी पक जाएगा, जल्दी गल जाएगा, इसकी वजह से। मस्त लहसुन डाले हम लोग काचा लहसुन खाने के टाइम खाते हैं। तो हार्ट ब्लॉकेज नहीं होती है, खून पतला रहते हैं। तो अभी मैंने आज इसके साथ फ्राई करके खाऊंगी और अच्छा लगेगा। अभी ये तुम जो लहसुन है वो लास्ट में लहसुन तेज पत्ता डालने से तेज पत्ते का ऊपर छिड़का ऊपर आने वाला था, पीछे अड़ गई मैं। ये मिर्ची हट जाओ क्योंकि पहले दिखा नहीं पाई क्योंकि मिर्ची फट रहा था इसकी वजह से। जिसमें आलू और शिमला मिर्च फ्राई किया वही तेल में झींगा बनेगा। लेकिन शिमला मिर्च आलू बहुत टेस्टी लगेगा ना मम्मी? पहली बार मैंने, हाँ चलो। मम्मी हमेशा उसको ग्रेवी बनाते थे सालन टाइप से, हाँ सूखा सूखा करके बना। हाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट। हाँ नहीं हाँ खुशबू जबरदस्त आ रही है। इसका जो कांदा जो है ना, इसका कांदा गलना नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा रहना चाहिए, पक जाएगा फिर भी नहीं गलना चाहिए, तो अभी वो झींगा के दोपहिया में अच्छा लगता है। अच्छा कांदा झींगा दोपहिया इसका नाम, कांदा झींगा दोपहिया।
दो प्याजा, दो प्याजा, इसमें ज्यादा टमाटर भी नहीं देने का, हल्का हल्का। हाँ, डालेंगे हम झींगा। आज झींगा फ्राई करके नहीं डाला, ऐसे डालोगे? हाँ, फ्राई करके डालेगा उसकी टेस्ट अलग हो जाता है। अच्छा, कच्चा झींगा का टेस्ट अलग आता है। हाँ, उसकी जो रस रहता है ना, कच्चापन का, ये कम टेस्ट होता है। ओ, फ्राई कर लो। हाँ, सही। देखो एक बार, नमक डाली थोड़ा सा, कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है एकदम, मतलब उसमें डालने से नमक, नमक डाले ना। हाँ, मीठा नमक, नमक अच्छा मस्त लग रहा है। मैं जो भी चीज़ देता ना ग्रेस में भी, ग्रेस को थोड़ा सा, मैं अभी ना ब्लैक अंगूर लेकर आते, ग्रीन अंगूर बीच में तो थोड़ा सा काला नमक, तो मतलब बीच में से इसको क्या बोलते हैं, नहीं अंगूर को बीच में से कट करके उसमें थोड़ा सा नमक डालते, और टेस्टी लगता है। जबरदस्त कलर आ गया। जो टेस्ट चाहिए सेम ऐसा, इसमें गर्म मसाला नहीं जाता, नहीं जाता। झींगा का तो खुशबू चला जाता है, गर्म मसाले का खुशबू आता है। तुम पकाने सीख लो। आप लोगों को काम आएगा, जब बनाओगे तभी देख सकते हो आप लोग। देखो बोल रहे हो, ठीक है सीखती हूँ, एक दिन मैं बनाऊंगी। थोड़ा सा पानी दूंगी। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा झींगा पक जाना चाहिए, क्योंकि कांदा, कांदा उसको सब दिखना चाहिए। अबे आलू, इसमें आलू नहीं डाले ना ये वाले में? ये आलू उस टाइम में आलू डाले थे। अच्छा, लेकिन जो भी ये झींगा दो पैजा, वो आलू झींगा होगा, आलू झींगा दो पैजा। दो लहसुन, ज्यादा नहीं देने का, फिर ऊपर से सीटी के ऊपर से पानी आ जाता है। इतना ही बस, इतना पानी बस। दाल रेडी। वाओ, इतना जबरदस्त लग रहा है मम्मी। देखा कांदा गला नहीं? नहीं, ठीक बोले थे तुमने, कांदा गलेगा नहीं। अब दाल मिठा देंगे, चलो बाद में आपसे मिलते हैं, बाहर घूमने रसास, वहाँ पे आपसे मिलते हैं, चलो। इधर कितना पुलिस खड़ा है, देखो इधर है मुस्लिम लोग का, इसलिए जुलूस चले गए ये साइड में। सब कितना पुलिस इधर खड़ा हो गया, वो उधर भी है, इधर गाड़ी है, गाड़ी आके जाम हो गया उधर। अभी आ रहे हैं वैलेंटाइन से, माशाल्लाह अजान हो रहा है, इसलिए बंद कर। हाँ,
उधर बच्चे का ना लेटनेस नहीं है लाइट चालू हो गया अभी तो लाइट का अभी तो चालू नहीं करा अभी मगरिब का नमाज मगरिब के नमाज के बाद लाइट चालू होगा इधर सब लाइट दिख रहा अभी भी लाइट सब दिख रही है कितना अच्छा है ना ये शियालत का मुझे कितना अच्छा बना है खिलौना खिलौना बच्चे लोग तो देखो उमेर खड़ा हो गया खिलौना लेने के लिए तैयार हो गया देखना ये शियालत का मुझे कितना खूबसूरत है ना इधर भी खाने के भी चीज कितना अच्छा अच्छा मिलता है चालू हो गया देखो ये लोग देखो ऐसा मोबी दिवस है बोल के लोग कपड़ा देखो एक ही कलर एक ही डिजाइन का कपड़ा ओके आमिर मेरा रोट हो गया आमिर इधर का फ्लैग इतना महंगा हो गया ये दुबई होने वाला है मेरा रोट थोड़ा दो दिन बाद दुबई हो दो दिन बाद नहीं 10-12 वर्ष साल में हो जाएगा क्योंकि इधर का फ्लैट है भाड़ा और फ्लैट बहुत महंगा हो गया इधर एक फकीर जो है ना वो भीख मांग नहीं मांगेगा हाँ ये कोलकाता भी ऐसा होता है वो दूर दूर में मेडियापुर वो सब जगह में होता है हाँ तला में भी अच्छा अच्छा होता है ये है मीरा रोड अच्छा था फ्लैग फ्लैग बोलते क्या बोलते हैं उसको हाँ अभी फ्लैग मिल रहा है झूमर जैसा होता है तो भी लोग नहीं समझ झूमर जैसा बोला तो है और कितनी बार बताऊँ तुमको मेरे को नहीं इसमें बोलो इसमें हाँ वही झूमर जैसा पूरा डेकोरेशन किया है तो इतना उजाला उजाला है बोलते इतना क्लियरिटी उसका बराबर नहीं आ रहा है अंधेरा होगा ना उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छा है थोड़ा उजाला है अभी ये देखो हमें लेसेस में आया पहले हम लोग को ये खाने के थे ये उमेर खा रहा है उमेर खिलौना ले लिया देखो एक सब हम लोग अभी खा रहे सब खाने का चीज लाइन से देखो इधर आओगे घूमने के लिए खाने की चीज एक एक से मिल जाता सब पिज्जा बर्गर सब कुछ ये मोमोज है फ्राई मोमोज ये मोमोज ये बर्गर चटनी गरम गरम उमेर बोल रहे हैं गरम सॉस रेड और व्हाइट सॉस लाओ देखो मोमोस खा रहे हैं टेस्ट है किधर अच्छा है उधर बच्चे का खंबा है
क्या जंपिंग जंपिंग है बच्चों को देखो ये उमर है। अब ये क्या मारेगा एरो उसको क्या बोलते हैं वाला डब्बे में जो है ये वन नंबर है जो ऐसा खड़ा रहा कि हिलना नहीं आता मेरे भी तीर से मारेगा बंदूक वाव ये देखो उमर हां वीडियो ना YouTube पे डालना है फिर आपके इधर बहुत सारा बच्चे लोग आएगा मम्मी आपके इधर आएंगे बच्चे भी अब्बा के क्या दबाने के लिए इसको भाई क्या बात है भाई शूटर है आप तो वेरी गुड वेरी गुड फ्लावर समझे तो फायर है पुलिस बनेगा पुलिस क्या बात है अरे बाप रे पुलिस बनेंगे आप क्या बात है वेरी गुड वन देखो ओ क्या बात है गाड़ी जीता उसने क्या बात है भाई गाड़ी जीती है वेरी गुड उधर कपड़ा मिलेगा ना श्री उधर 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 ये इस साइड में कपड़ा उमेर देखो कार में बैठे मैं देखो कार राइडिंग कर रहे हैं ये उमेर है बाबा उमेर हाय हाय करो हाय करो लाइट कितना अच्छा नहीं लगता मामी शॉट नहीं ना वो पापा बैक आउट बोले तय करे नीचे किशिर ये दुकान इधर क्या लेके आई इसने आई थिंक सो केक होगा मम्मा चम्मच भी दे देखो इसमें भी वही है इसमें भी सेम है ना क्या खोलेंगे कैसे उनका आता नहीं रुको मैं केक लाए देखो ये ले गया अच्छा डोनट का जो लड्डू 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 नहीं केक है वो छोटे छोटे केक ये देखो अच्छा प्लेट लेके आती हैं कप ताजी लेकर आए इसको पसंद है कमेंट्स करके जरूर बताना खोल के देखेंगे अभी केक है ना चॉकलेट बॉल है वो ये वाला चॉकलेट बॉल है और एक कप केक है अरे कप केक है तो एकदम नरम तो नहीं है ना जुनैद नॉर्मल नहीं है वो नरम नहीं है कड़क है हाँ फ्रिज में था ना इसलिए तभी चलो हम लोग कभी खाएंगे एंजॉय करेंगे आप लोग देखना देख के कमेंट करना अच्छा अच्छा कमेंट करो
कैसा लगा जरूर बताना। चलो बाद में आपसे फिर से मिलके ये खा के।